press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ये सर्विस बिल्डिंग काफी बड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये सामने की तरफ ऊपर में एक क्रेन भी लगा हुआ है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट वाल्व की लाइन है, ये सारे वाल्व लगे हुए हैं। ये जो आपको सामने नीले कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये है टर्बाइन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वक्त मैं हूँ रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्लांट में, और ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं सर्विस बिल्डिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस सर्विस बिल्डिंग में होता क्या है। इसी सर्विस बिल्डिंग के अंदर आपको टर्बाइन देखने को मिलेगी, और इस सर्विस बिल्डिंग के अंदर आपको कंट्रोल रूम देखने को मिलेगा, और बाकी सारी चीज़ें इसी सर्विस बिल्डिंग के अंदर होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फटाफट आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। ये जो सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये एंट्रेंस है। इस तरह के बहुत सारे एंट्रेंस बने हुए हैं, एक वहाँ पे है और ये एक सामने है, और बाकी इसके आगे भी है। तीन चार एंट्रेंस इस तरह के बड़े बड़े बनाए हुए हैं। ये सर्विस बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये सामने की तरफ ऊपर में एक क्रेन भी लगा हुआ है, वो मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा। फिलहाल मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, तो ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैक्यूम पंप है, मोटर लगी हुई है इसमें। इस तरह के दो वैक्यूम पंप लगे हुए हैं, फर्स्ट ये और सेकंड वो। नीचे भी बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। ये कंडेंसर है, जैसा कि आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हो, काफ़ी बड़ा। और ये सब डिफरेंट डिफरेंट वाल्व की लाइन है, ये सारे वाल्व लगे हुए हैं। ये लूब ऑयल फिल्टर, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये लूब ऑयल फिल्टर है। दो लगे हुए यहाँ पे, ए और बी। और ये मेन ऑयल टैंक, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑयल कूलर है। इसमें भी दो लगे हुए हैं, ए और बी। ये सारी चीज़ें आपको गैस पावर प्लांट में ही देखने को मिलेंगी। थर्मल पावर प्लांट में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर का बना होता है, और ये गैस पावर प्लांट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे ये ल्यूब ऑयल, ऑयल कूलर और ये मेन ऑयल टैंक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई आपको दिखाई देंगी। ये सामने की तरफ लैडर है टर्बाइन फ्लोर पर जाने के लिए ऊपर, और इसके बाजू में यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है। अभी थोड़ी देर में हम इसी लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। ऊपर में एक टरबाइन लगी हुई है, फिलहाल मैं आपको नीचे की टरबाइन दिखा देता हूँ। ये भी एक एंट्रेंस है बैक साइड से। ये जो आपको सामने नीले कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये है टरबाइन। ये एक क्रेन है,
इस तरह के दो क्रेन यहाँ पे लगे हुए हैं। मैंने आपको पहले एक दिखाया फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। ये कोई भी हेवी मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह है गैस टरबाइन। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 160 मेगावाट की जो यूनिट है उसी में हम लोग एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हुए हैं, और इस 160 मेगावाट में 110 मेगावाट की ये गैस टरबाइन है और 50 मेगावाट की स्टीम टरबाइन है जो ऊपर फ्लोर पे लगी हुई है। जब इसमें कोई रिपेयरिंग का काम आता है तो ये सारे बॉक्स को हटा दिया जाता है। इस टरबाइन को BHEL ने बनाया है, एक्चुअली इस पूरे प्लांट को BHEL ने बनाया है, कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी 40 डेज़ का वो BHEL से है। 40 डेज़ में हमें ये अपना काम कंप्लीट करके BHEL को हैंडओवर कर देना है। ये भी एक इसका यहाँ पे एंट्रेंस बना हुआ है बैक साइड से। पीछे की तरफ ये स्विच यार्ड बना हुआ है। आने वाली वीडियो में मैं आपको एक कम्प्लीटली स्विच यार्ड का वीडियो बना के दे दूँगा। ये है टरबाइन, कितनी बड़ी है आप देख सकते हो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है और ये वहाँ तक एंड तक। ये 110 मेगावाट की टरबाइन है। यह बोर्ड रामगढ़ गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना 160 मेगावाट जिला जैसलमेर। इस पावर प्लांट का श्रीमती वसुंधरा राजे ने इनॉग्रेशन किया था, जैसा कि आप यहाँ भी इस बोर्ड में देख सकते हो। अब चलते हैं ऊपर के फ्लोर पे, जो टरबाइन लगी हुई है उसे दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ सेकंड फ्लोर पे। सामने की तरफ लिफ्ट दिखाई दे रही है, इसी लिफ्ट से अभी ऊपर आया हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है स्टीम टरबाइन जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया, ब्लू कलर की। ये नीचे लगी हुई है ग्राउंड फ्लोर पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसे जूम कर दिया है। गैस टरबाइन जनरेटर 110 मेगावाट BHEL ने इसे बनाया है। इसे ग्राउंड फ्लोर पे इंस्टॉल किया गया है। ये सामने की तरफ क्रेन येलो कलर की, कोई भी हैवी मटेरियल लिफ्ट करने के लिए। और ये सेकंड फ्लोर पे लगी हुई है स्टीम टरबाइन 50 मेगावाट की। ये बॉक्स के अंदर बंद है कम्प्लीटली, और फिलहाल तो अभी टरबाइन ही बंद है इसलिए यहाँ पे साउंड नहीं है। जब ये टरबाइन ऑन हो जाएगी तो यहाँ पे काफ़ी साउंड होता है। ये सामने की तरफ सारे प्रेशर गेज लगे हुए हैं। टरबाइन, ये टरबाइन का साइड व्यू है। इसी में HP, LP और IP टरबाइन लगी हुई है। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है जनरेटर।
ये जो राउंड शेप में। ये इसका सामने से फ्रंट लुक, ये सामने की तरफ राउंड शेप में जनरेटर और उसके पीछे जो बॉक्स बना हुआ है उसी के अंदर HP, LP और IP टरबाइन लगी हुई है। इसे भी BHEL ने बनाया है। ये 50 मेगावाट की स्टीम टरबाइन है और जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इंस्टॉल है वो है गैस टरबाइन 110 मेगावाट की। मैं यहीं से अभी ऊपर आया हूँ, ये इसी एंट्रेंस से। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और अगर कोई सवाल हो तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी। फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की बहुत सारी वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।